पिछले एक दशक में हमारे संबंधों के आयामों में विस्तार भी हुआ है और इनमें गहराई भी आई है। रक्षा एवं सुरक्षा क्षेत्रों में आपसी सहयोग को नई गति मिली है। इंडिया जस्ट डजंट स्टॉप हियर। जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा बताता चलूं कि इससे पहले भी इंडिया ने कुछ 100 मिलियन डॉलर की जो क्रेडिट लाइन है कि जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने वो जब वो गए तो उन्होंने वो दी थी, ठीक है जी, जिसमें 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन है। फिर एक 500 मिलियन डॉलर की भी क्रेडिट लाइन दी हुई है ताकि जो वियतनाम है उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बूस्ट किया जा सके। लोकोमोटिव फॉर ग्रोथ इंडिया वियतनाम और इंडो पैसिफिक के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। उसके बाद पीएम मोदी ने बोला कि भाई वी आर अगेंस्ट एक्सपेंशनिज्म एंड कॉल्ड फॉर अ फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। चाइना की कान के नीचे चपाट। ओवर स्ट्रेच हो रहे हैं ना, ओवर स्ट्रेच। चाइना अभी तक चाइना किसी जंग में नहीं है। यानी ये जो इंडिया के साथ भी उसके मामला हैं बॉर्डर पे, तो उसमें दोनों एक जगह पे वो स्टैंड स्टिल हुआ, उन्हें स्टेल पे हुआ, स्टेलमेट हुआ है। लेकिन ऐसा चाइना के तो फौजी उतर के किसी जगह पर अभी तक नहीं लड़े ना उनकी जाने गई हैं। इसलिए इंडिया चाहता है कि चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको तैयार किया जाए। दे शुड बी रेडी टू टेक ऑन चाइना। अब जिनसे हमें फायदा हो रहा होता है हम उन्हीं की साइड पर हो जाते हैं और इसी वजह से हमारी जो है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है। तो जाहिर है जो ज्यादा कैश दिखाएगा हम उसकी तरफ चले जाएंगे, यही हमारा जो है मेन फोकस हमारा ऐसा ही रहता है। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं तो उनको इंडिया ने 300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है ताकि इंडिया वियतनाम की मैरिटाइम सिक्योरिटी पे काम किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चीन को उसी के घर में घेरने की तैयारी भारत ने शुरू कर दिया है, जिसे देख चीन परेशान हो गया है। अब भारत भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देना शुरू कर दिया है। वियतनाम के पीएम भारत के दौरे पर आए, इस दौरान भारत और वियतनाम के संबंध मजबूत होते दिख रहे हैं। भारत ने वियतनाम को 300 मिलियन डॉलर का लोन देने की पेशकश की है ताकि वियतनाम अपनी समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर सके, जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए जरूरी है। भारत ने वियतनाम को 300 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है ताकि वियतनाम इस धन के जरिए भारत से हथियार खरीद सके। संभव है कि वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा। हालांकि भारत और वियतनाम को करीब आता देख चीन परेशान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के पीएम के साथ मीटिंग में लाइन ऑफ क्रेडिट देने का ऐलान किया। वियतनाम चीन का पड़ोसी देश है, इसके अलावा दोनों ने एक युद्ध भी लड़ा है। अब भारत चीन के पड़ोसी देशों को मजबूत कर रहा है ताकि चीन को सबक सिखा सके। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारा आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। वियतनाम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के दौरे पे हैं और कहा जा रहा है कि पिछले 10 सालों में ये पहला दौरा है जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फॉर्म मिन चिन जो है उन्होंने दौरा किया है। इंडिया जो है उसने अपनी एक एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंट्रोड्यूस कराई हुई है अंडर द इंडो पैसिफिक विजन, पहले मौजूद थी, बट द मोमेंट अमेरिकन्स ने इंडो पैसिफिक विजन इंट्रोड्यूस कराया, जब आपको पता है ओबामा जो है और हिलरी क्लिंटन एंड अदर्स जो थे वो सारे के सारे जो है वो ये चाहते थे कि हमने चाइना को काउंटर कैसे करना है, चाइना को इंगेज कैसे करना है। उस सिलसिले में ये सारी की सारी चीज़ जो है वो हुई। इंडिया कहता है कि जब ये जो क्या नाम है इनका चाइनीज जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं तो उनको इंडिया ने 300 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन दी है ताकि वियतनाम की मैरिटाइम सिक्योरिटी पे काम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया वियतनाम की आर्मी को सॉफ्टवेयर देगा, ठीक है जी, और वो जो सॉफ्टवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर देगा, दूसरा इंडिया इन आईटी के सेक्टर में भी मदद करेगा, तीसरा इंडिया वियतनाम की जो डिफेंस फोर्सेज हैं उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग में मदद करेगा। सो इट मींस दैट इंडिया वांट्स टू हेल्प वियतनाम। किस लिए? इंडिया चाहता है कि चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको तैयार किया जाए। दे शुड बी रेडी टू टेक ऑन चाइना। अब मजे की बात देखें, जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चिन आए हैं, एक तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा क्लोज ट्रस्टेड एंड फेथफुल पार्टनर है,
जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है पूरी हिस्ट्री के दौरान। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक ये इंडिया को एडवांटेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या एडवांटेज है? इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ये कह रहा है कि जितने भी ममालिक हैं खित्ते के, जितने भी ममालिक हैं दुनिया में ही इस खित्ते के, वो कहते हैं जी इंडिया तो हमेशा नॉन अलाइंड रहा है, और इंडिया की जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी उसने छोटे मुल्कों को हमेशा ये सहारा दिया कि वो अपनी मर्जी से चीजें कर सकें और किसी भी ग्लोबल पावर के प्रेशर के नीचे ना आए। सो दिस इज, ये हमें इंडिया का एडवांटेज है। बहुत बड़ी बात होती है जब आपका जो विजिटर डिग्निटी है वो ये अल्फाज आपके लिए कह के जाए, और साथ ही में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कह दिया कि चीन जो है ना वो एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चीन एक्सपेंशनिस्ट पावर है, जबकि इंडिया फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। सो कहां फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करना और कहां ये चीज। अच्छा मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया जस्ट डजंट स्टॉप हियर। जिन लोगों को नहीं पता मैं थोड़ा बताता चलूं कि इससे पहले भी इंडिया ने कुछ 100 मिलियन डॉलर की जो क्रेडिट लाइन है, जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है इस साल वो जब वो गए तो उन्होंने वो दी थी, ठीक है जी, जिसमें 100 मिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन है, फिर एक 500 मिलियन डॉलर की भी क्रेडिट लाइन दी हुई है ताकि जो वियतनाम है उसकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसको बूस्ट किया जा सके। इन अदर वर्ड्स, इंडिया चाइना के इर्द गिर्द जितनी पावर्स हैं, अगर आपको याद हो कि इंडिया फिलिपाइंस को ब्राह्मोस दे रहा है, वो रशिया एंड इंडिया की ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, लेकिन अमेरिकन विल नॉट स्पीक बिकॉज फिलिपाइंस इज गेटिंग एम्पावर्ड विद दैट मिलिट्री हार्डवेयर। जब राजनाथ सिंह जी गए थे वहां पर उस टाइम पे उनको 12 हाई स्पीड बोट्स दी थी हमने, विच वर बिल्ट विद हमारे असिस्टेंस से। एक एमओयू साइन हुआ था जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट का है, एंड बाय द वे लेट मी टेल यू, दिस इज द ओनली, भारत इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट वियतनाम हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद ऑफ दिस सॉर्ट। लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट का क्या मतलब होता है कि साहब आप उनके बेस और वो आपके नेवल बेसिस पे रिफ्यूलिंग, यू नो, रिफिटिंग और जो थोड़ा बहुत जो चीजें करनी है, तो बेस एक्सेस आपको मिल जाता है। एंड इसके अंदर अगर आप, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे को अपना मैप अभी अपडेट करना पड़ेगा, एक इंडिया का फ्लैग एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा, कहां पर, वियतनाम के अंदर, सो दैट आई विल डू। नाउ मेमोरेंडम जो मैंने आपको बताया कि साहब दिस वॉज साइंड एंड दिस इज इन फोर्स राइट नाउ, ठीक है, और भारत ने अमेरिका और वियतनाम के बीच में भी कुछ टॉक्स इनिशिएट कराई थी। उसके बाद अगर आप देखें G20 के बाद बाइडेन साहब यहां से दिल्ली से उठ के सीधा वियतनाम गए थे। डिफेंस टाइज के हिसाब से बात करें, ब्रह्मोस की डिस्कशन इज बैंग ऑन द टेबल राइट नाउ, तो एनी टाइम दिस थिंग विल गेट साइंड, बट दिस विल नॉट बी साइंड एट द प्राइम मिनिस्टर्स लेवल। वो डिफेंस मिनिस्टर्स की एक छोटी छोटी मीटिंग होगी एंड वो उधर की या उनकी आर्म फोर्सेस इधर पे आएंगी और वो डायरेक्ट कंपनी के साथ साइन करके खत्म कर देंगी। देखिए हमारी वॉरशिप्स वहां पर जाती हैं, रेगुलरली जाती हैं, गुडविल विजिट्स भी हैं, ऑपरेशनल विजिट्स भी हैं, सो दैट इज देयर। नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी डिड फॉर वियतनाम वाज 2023 में इंडिया ने एक INS कृपान करके, विच इज अ मिसल कॉर्वेट जो हमारी सर्विस में थी, उसको हमने गिफ्ट कराया टू द वियतनामीज पीपल्स नेवी। लोकोमोटिव फॉर ग्रोथ इंडिया वियतनाम और इंडो पैसिफिक के लिए ये इतनी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है। उसके बाद पीएम मोदी ने बोला कि भाई वी आर अगेंस्ट एक्सपेंशनिज्म एंड कॉल्ड फॉर अ फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक। चाइना की कान के नीचे चपाट, वियतनाम इज अ की पार्टनर, मोदी साहब ने क्लियरली ओपनली बोला ये चीज। आफ्टर दैट देन ही सेज भैया इंडिया विल हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ ओल्डर टेंपल्स इन वियतनाम।